आप सबके परिचित शुभेंदु अधिकारी जी हैं, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है वेस्ट बंगाल में और ज़मीन पर लड़ाई लड़ने वाले नेताओं में से एक हैं। उनके बगल में सुमित्रा खान जी हैं, सांसद हैं, बंगाल के पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। मेरी बगल में, मैं तो इनको वाइट टैग्रेस कहता हूँ, बहन मेरी बैठी हैं लॉकेट चैटर्जी, सांसद हैं, बंगाल की महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा की। आज शुभेंदु जी आपके सामने बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का किस प्रकार का मिसरूल चल रहा है उस पर आपके समक्ष कुछ बिंदु रखेंगे शुभेंदु अधिकारी जी। थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स फ्रॉम मीडिया हाउसेस। आप लोग को सब मैं भाजपा की ओर से, खास करके पश्चिम बंगाल की यूनिट की ओर से और लेजिस्लेचर पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। यू नो दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल सी अनाउंस टू डे धरना इन फ्रंट ऑफ अम्बेडकर मूर्ति स्टैचू इन कलकत्ता against central government policies and against the India government. ये धरना हो रहा है खास करके 29th और 30th को। आप सबको मालूम है 30th को रामनवमी की महापर्व है। उस दिन पूरा देश ने ही हमारी सनातन कल्चर को मानने वाला हर भारतीय ने रामनवमी के त्यौहार मनाता है। उस दिन बंगाल की चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में हॉलिडे भी डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने सीट ऑन स्ट्राइक धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। ये सीधा सीधा जो आरोप है ये फेब्रिकेटेड है, फेक है, फॉल्स है और बंगाल का हालत जिस तरीके से हर मुद्दे पर हर अपने चलने का जो साधन है उसमें डिटोरेट हो रहा है सबको मालूम है। पहले बंगाल का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर और डेट कितना है, जब ममता जी की सरकार 2011 में बंगाल में टीएम से बागडोर संभलाया है, बागडोर मिला है उसको जनता का आशीर्वाद में, तो बाम मोर्चा का सरकार बंगाल में करीब करीब लोन आउटस्टैंडिंग था 2,00,000 करोड़ की आसपास। अभी बंगाल में लोन आउटस्टैंडिंग हो गया 6,00,000 करोड़ की आसपास, 3 गुना एनहेंसमेंट कर दिया ममता जी की सरकार। बंगाल में जब बाम मोर्चा की सरकार को लोग जनतांत्रिक तरीके से हटाया तब बंगाल में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जिसका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड था 1 करोड़ की आसपास था। अभी बंगाल में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ का आंकड़ा ममता जी ने डबल डिजिट पर ला लिया, डबल कर दिया 2 करोड़। माइग्रेंट लेबर्स जो अपने
संसाधन के लिए उन्होंने अपने प्रांत को, प्रदेश को छोड़ के दूसरा प्रदेश और भारत देश की बाहर भी जाना पड़ा। ये 2011 में था, 5,20,000 के आसपास। अभी वेस्ट बंगाल का माइग्रेंट लेबर का आंकड़ा 9 गुना ज्यादा कर दिया टीएमसी का सरकार, 45 लाख माइग्रेंट लेबर। कुछ दिन पहले मिजोरम में एक हादसा हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उसमें 10 माइग्रेंट लेबर का जान गया। उसमें 5 था बिहार का, 5 था पश्चिम बंगाल का। मिजोरम का बात इसलिए मैं बताया, मिजोरम बहुत बहुत अच्छा स्टेट है, पीसफुल स्टेट बन गया मोदी जी का आशीर्वाद से। लेकिन वहां का जो डेमोग्राफी है, जो जियोग्राफिकल एटमोस्फियर है, वहां जाकर भी अपने रोटी रोजी के लिए बंगाल का लोग को काम करना मजबूरी से करना पड़ता है, इसलिए मिजोरम का नाम मैं जिक्र किया। बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी चालू होने का बात कुछ दिन पहले हमारी रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी ऑर्गेनाइज्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर शी सेड द 90% डिमांड ऑफ द स्टेट रिलीज बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल के लिए। उन्होंने बताया 100% जीएसटी सब प्रदेश को मिल गया। क्यों मिला? जो ऑडिट रिपोर्ट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, सब प्रदेश में 17 साल से लेकर 31 मार्च तक ऑडिट रिपोर्ट सब स्टेट ने भेज दिया मिनिस्ट्री को, वित्त मंत्री को। दोनों स्टेट का ऑडिट रिपोर्ट पहले से नहीं मिला, एक केरला लेट फंड रूल, सेकेंड वेस्ट बंगाल। जीएसटी का 100% नहीं मिला, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने डिमांड का ऊपर 90% रुपीज छोड़ दिया अब तक, और बाकी 10% ऑडिट रिपोर्ट के लिए वो इंतजार में है। दोनों स्टेट, एक लेफ्ट रूल केरला एंड वन टीएमसी रूल। टीएमसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मोदी जी आने का पहले देश में हर प्रांत में चुनाव होता था 3 मुद्दे के ऊपर, एक परिवारवाद, दूसरा जातपात और तीसरा तुष्टिकरण। अभी सब स्टेट में खत्म हो गया, दोनों प्रांत में परिवारवाद, तुष्टिकरण और करप्शन के ऊपर दोनों स्टेट चल रहा है, एक पश्चिम बंगाल, सेकेंड तेलंगाना। इसलिए बंगाल की हर बिंदु पर 100 दिन मनरेगा का काम, आप आंकड़ा लिख लीजिए, जब मनरेगा चालू हुआ देश में, उसका बाद बंगाल में जॉब कार्ड होल्डर का नंबर कितना था? 3,60,00,000। जब आधार का साथ लिंक करने के लिए धांधली, करप्शन, भ्रष्टाचार बंद करने के लिए मोदी जी का सरकार अपने गवर्नमेंट की ओर से सर्कुलर जारी किया, जो 31 दिसंबर 2020 के अंदर सबको जॉब कार्ड के साथ आधार को लिंक कर देना चाहिए, तब जनवरी में बंगाल की सरकार 1 करोड़ जॉब कार्ड को डिलीट कर दिया,
घटा के कर दिया 2,60,00,000 हमारी जॉब कार्ड है, उसके ऊपर 96% को लिंक किया, लेकिन जो 1,00,00,000 जॉब कार्ड को फेक बोल के डिलीट किया बंगाल अपने गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, उस 1,00,00,000 फेक जॉब कार्ड के खिलाफ पिछले 10 साल में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ मानी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये लोग ऑलरेडी ले लिया है अपने अकाउंट में। इट्स ए बिग स्कैम। ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल वी सेंड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू आवर ऑनरेबल मिनिस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर गिरिराज सिंह जी। मैं मेरा प्रदेश अध्यक्ष सांसद उनका साथ मुलाकात किया और इस 1,00,00,000 जो डिलीट हुआ जॉब कार्ड फेक जॉब कार्ड उसका खिलाफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपया पिछले 10 साल में मनरेगा के अंदर ये लोग फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसका साथ जो इन्वॉल्वमेंट है पंचायत का आदमी 100 दिन का सुपरवाइजर पंचायत लेवल का निर्माण सहायक वीडियो से लेकर डीएम तक और टीएमसी पूरा पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी, इसका खिलाफ हम लोग कार्रवाई की जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष के नाते कलकत्ता हाईकोर्ट में मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी किया, केस इज अंडर कंसीडरेशन ऑफ द बेंच, हियरिंग हो रहा है, इसमें मेरा सीबीआई का मांग किया है। मनरेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट है, इसका 100% रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देता है टैक्स पेयर का मानी। ये धांधली के खिलाफ सही जांच होना चाहिए और भ्रष्टाचारी को कानून के अंदर उसको कार्रवाई होना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। दूसरा, बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बांग्ला आवास योजना, पीएमजी ओसाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। हमारी यशस्वी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन, उसका नाम बंगाल की बुआ भतीजा की सरकार चेंज करके जल सपनों बना दिया। बंगाल में 72,00,000 लैट्रिन बनाया मोदी जी का सरकार, वो लैट्रिन उसका नाम स्वच्छ भारत मिशन का नाम बदल के मिशन निर्मल बंगला बना दिया स्टिकर गवर्नमेंट ने। ये बंगाल गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, रोज मिनिस्टर लोग जेल में जा रहा है, 60,000 के करीब करीब रिक्रूटमेंट का बिग स्कैम सामने आया है, जुडिशियरी का इंटरफेरेंस हुआ है। जुडिशियरी का इंटरफेरेंस के बाद बंगाल में एजेंसी जांच में काम कर रहा है, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट अंदर में है। हमारी जो देश का हमारी देश का रिसोर्सेस है जिनको प्रकृति मां ने दिया है, कोल से लेकर आयरन ओर से लेकर सैंड से लेकर सब बंगाल में खत्म कर दिया ये बुआ भतीजा का सरकार और अपने रैकेट ने। ये भ्रष्टाचारी सरकार बंगाल में इंडस्ट्री पॉलिसी फेल किया, नो बिग इंडस्ट्री लास्ट 12 ईयर, नॉट ए सिंगल एयरपोर्ट, नॉट ए सिंगल एयरपोर्ट आफ्टर कलकत्ता एंड बागडोगरा, नॉट ए सिंगल एयरपोर्ट टीएमसी का 12 साल का रिजिम में नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल सीपोर्ट।
जमीन नहीं मिल रहा है, नॉर्थ मंगल में एम्स नहीं हो रहा है, रेल प्रोजेक्ट ठप हुआ है, रेल प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन वो जमीन सरकार को देना पड़ता है, बंगाल सरकार नहीं कर रहा है। मेरा पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लेटर का कॉपी है, कलकत्ता का बगल में एक एडिशनल एयरपोर्ट के लिए उन्होंने जमीन का डिमांड किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। बंगाल में अभी जो चल रहा है 500 रुपीज का टोल और सस्ते लिकर 28 रुपीज में पाउच में कंट्री स्पीड मिलता है, और डियर लॉटरी मार्टिन लॉटरी हर प्रांत में। बंगाल का हालत जंगल राज से भी खराब है, इसलिए ममता जी का गवर्नमेंट सीधा सीधा राजनीति करने के लिए रामनवमी का दिन, देश का त्योहार का दिन, रमजान का महीने में इस तरीके से आंदोलन करके एजेंसी को डराने का काम, जुडिशियरी को प्रेशर देने का काम, और करप्शन का भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना अच्छा मुद्दा है उसको, उससे जनता का ध्यान दूसरा तरफ ले जाने के लिए ये अनडेमोक्रेटिक ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। भाजपा ने इसका जोरदार विरोध करेगा। बंगाल में पिछले 15 दिन में 4 फार्मर्स ने सुइसाइड किया, पोटेटो फार्मर्स ने। कल हमारी बंगाल प्रदेश की किसान मोर्चा ने कलकत्ता में फार्मर्स को लेकर किसान रैली का ऑर्गेनाइज किया है। 29 को बंगाल की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ हम लोग का धरना प्रदर्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोसु का स्टैचू के सामने, और 30 को हम लोग सब रामनवमी का महापर्व अच्छे तरीके से बंगाल में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगा। सभी बंगाल की जनता ने ये रिलीजियस और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन का जो रामनवमी का प्रोग्राम होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। कुछ क्वेश्चन है उनको बुलवा लेते हैं। मैं निवेदन करूंगा खान साहब से कि वे भी कुछ इस पे जोड़ना चाहे जोड़े। आज के आपनारा जानें जे आमादेर राष्ट्रपति महोदया आज के पश्चिम बांगलाय कलकाता आसछेन। आमरा सेई पश्चिम बांगलाय जे कथाटा आमादेर माननीय शुभेंदुदा बोललेन जे अराजकता चलछे, आज पश्चिम बांगलाय राष्ट्रपति आसाकालीन जे अनुष्ठान हबे सेखाने पर्यन्त बिरोधी दलनेताके आमंत्रण जानानो हयनि এবং বিজেপি এমপিএমএলএ কাউকে ডাকা হয়নি। এটা একটা রাজ্য সরকারের যে ভয়ানক ভাবে যে গণতন্ত্র হত্যা করছে আজকের এই দিকটা তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি আমরা। এই সংকীর্ণ রাজনীতি এই তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এটা করছে, বিরোধী দলনেতাকে দেখলেই ভয় পায়। তাই হেরো মুখ্যমন্ত্রী কোনো মতেই শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে রাষ্ট্রপতির যে মঞ্চ থাকবে সেই মঞ্চে ভাগ করতে চাইছেন না। তা আজকে আমরা এই রাজ্য সরকারের প্রতি ধিক্কার জানাই। নিবেদন করুঙ্গো লক্ষ্য চ্যাটার্জিকে ওয়ে আপনি পক্ষে রেখে। সবকো নবরাত্রি কা শুভকামনায়। শুভেন্দু দা লিডার অফ অপোজিশন সৌমিত্র খানে আপনি देखा है कि बंगाल में जो इश्यूज चल रहा है एक के बाद एक, हम लोग आप लोग भी देखे हैं, पूरा देश का जनता देख रहे हैं।
और प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार ने जो बंगाल के लिए, जो पूरा देश के लिए, जो ये 22-23 में जो बजट बंगाल के लिए भेजे है और जो योजना केंद्रीय सरकार ने पूरा देश के लिए भेजे है वो बंगाल में भी शामिल है सबके लिए। इसमें कोई जात पात का राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लिए सब लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, सबके लिए प्रधानमंत्री ने केंद्रीय योजना भेजे है। लेकिन बहुत सारा योजना ऐसा है कि हम लोग देखते हैं कि उसका नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे शुभेंदु दा ने बोला है, जैसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सबके लिए फ्री राशन। आप लोग देख रहे हैं कि कोविड के बाद से, कोविड का जो परिस्थिति हुआ था उस टाइम से अभी तक सबके लिए फ्री राशन मिल रहा है। लेकिन आप बंगाल में जाएंगे तो आप देखेंगे इसका नाम बंगाल में जाते जाते चेंज हो जाता है कि खाद्य साथी बोल के। इसमें एक भी पैसा राज्य सरकार ने नहीं देते हैं, फिर भी ये लोग बोलते हैं कि खाद्य साथी प्रकल्प टीएमसी सरकार का है, ममता बनर्जी का है। उसके बाद भी बोलते हैं कि बंगाल में केंद्रीय सरकार ने कुछ नहीं भेजते हैं, पैसा काट लेते, इसलिए धरना प्रदर्शन भी उनका है। जो केंद्रीय सरकार सरकारी कर्मचारी के लिए 8% डीए देते हैं और राज्य सरकार, अभी डीए के बाद अगर राज्य सरकारी कर्मचारी लोग बोलते हैं तो उसमें वो बंगाली में बोलते हैं कि कुकुरेर मतो घेव घेव कोरोना। माने जो लोग उसको वोट देके थर्ड टाइम के लिए मुख्यमंत्री बनाया उसको क्या समझते हैं, कुत्ता। इतना असम्मान करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं। और उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि केंद्रीय सरकार बंगाल को इग्नोर करते हैं। आज ये लोग धरना में बैठेंगे, बोलते हैं अगर एक के बाद एक अगर बंगाल का इतना ज्यादा इश्यूज है तो बंगाल की जनता को तो काम छोड़ के 365 डेज ही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखा डेमोक्रेसी के लिए सांसद चत्तर में कल टीएमसी लोग धरना में बैठेंगे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बात पश्चिम बंगाल कर रहे हैं। जो डीए विरोध में, डीए प्रदर्शन के लिए जो विरोध में, जो अवस्थान विक्षोभ में जो शिक्षक, जो टीचर शामिल हुआ था उसको शोकॉज नोटिस देते हैं। उसको बोलते क्यों तुमने वहां पे शामिल हुआ। एक साइड में उसको डीए नहीं बढ़ाएंगे और दूसरा साइड में उसको शोक और नोटिस देते हैं। तो बंगाल का जनता, बंगाल का सरकारी कर्मचारी कहाँ पे जाएंगे। डेमोक्रेसी का बात करें तो पश्चिम बंगाल ऐसे एक राज्य है, पूरा देश से बाहर हो गया है ये, और ये डेमोक्रेसी का बात करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बार बार बोलते हैं कि केंद्रीय सरकार ने पैसा काट लेते हैं, और पैसा कहाँ पे है। पैसा है कोई नेता मंत्री के घर पे, करोड़ों करोड़ों रुपए जुबो नेता, छोटा जुबो नेता जो होता है पंचायत लेवल में इतना करप्शन होता है, आप सोच लीजिए कि ऊपर में कितना करप्शन है। बीरभूम जिले का सभापति अभी तिहाड़ जेल में है, उसके बाद भी ममता बनर्जी ने उसको ही वहां का सभापति रखा बीरभूम जिला का। इसका मतलब क्या है, जो करप्शन करेंगे उसको ही सम्मान मिलेगा, जो तोलाबाजी करेंगे, खून खराबी करेंगे उसको ही सम्मान मिलेगा, क्योंकि सामने वोट है, वोट का राजनीति है, वोट बैंक का राजनीति है। तो तृणमूल का और एक नाम क्या है, करप्शन का सरकार है। और ये सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रहा है और फ्यूचर में भी लड़ेंगे, और हम लोग एक साथ होके सरकार के खिलाफ हम लोग धरना, कल हम लोग किसान मोर्चा ने विक्षोभ समावेश प्रदर्शन करेंगे और पूरा जनता के साथ हम लोग फ्यूचर में लड़ाई करेंगे करप्शन के विरुद्ध में। धन्यवाद जी। जी एक मिनट, यू आर फ्रॉम बांग्ला, तो बांग्लाते ही उत्तर दी। माननीय
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা আমাদের শক্তিশালী নেতা, তার সঙ্গে আমার কি আলোচনা হয়েছে সেটা আমি সংবাদ মাধ্যমের কাছে প্রথমত প্রকাশ করব না। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর শুধু নয়, কোর্টের পর্যবেক্ষণে নিরপেক্ষ অবজারভার দিয়ে হোক, ইতিমধ্যে অন বিহাফ অব দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বিজেপি আমি পার্টির পক্ষ থেকে মামলা করেছিলাম চিফ জাস্টিসের বেঞ্চে। সেখানে হিয়ারিং কনক্লুড হয়ে গেছে এবং অর্ডার রিজার্ভড আছে। উই আর হোপফুল যে আমরা এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন গণতান্ত্রিকভাবে করানোর জন্য মানুষ যা যা চাইছে সেটা আমরা করাতে পারবো, তার জন্য আমরা আশাবাদী। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, सब लोग पैनिक में है, सब लोग पैनिक में है। ये भ्रष्टाचारी का अलायंस है और भ्रष्टाचारी का अलायंस में टीएमसी का रहना ये तो स्वाभाविक बात है, ये कोई अननेचुरल बात नहीं है। ये एक भ्रष्टाचारी अलायंस बना है मोदी जी का खिलाफ, जनता और मोदी जी एक वन साइड और आदर्श में ये है। और टीएमसी भ्रष्टाचारी का साथ एक साथ रहेगा, जो जुडिशियरी के खिलाफ टीएमसी की चीफ मुखिया ममता बनर्जी ने जस्टिस कौशिक चंद्र जी का जजमेंट की बाद 5 लाख रुपया फाइन किया 2021 में। नंदीग्राम जो मैं चुनाव जीता था उसका एगेंस्ट में केस के लिए जो जस्टिस कौशिक चंद्र के खिलाफ हल्ला बोल मचाया था ममता बनर्जी, उसका खिलाफ 2021 ज्यादा दिन नहीं है 5 लाख रुपया फाइन उसको कलकत्ता हाईकोर्ट का बार में देना पड़ा। ये जुडिशियरी का खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसका इन्वेस्टिगेशन एज पर द ऑर्डर ऑफ दी कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, जिसका निगरानी विजिल अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट है, उसका खिलाफ है, बीएसएफ का खिलाफ है, सीआईएसएफ सीआरपीएफ का खिलाफ है, जो बॉर्डर में बीएसएफ काम करता है उसको ये बोलता है रेपिस्ट, आर्मी के खिलाफ है, अंदर घुस के मारा, ममता बनर्जी बताया, सबूत कहां है? ये लोग सीधा सीधा देश विरोधी ताकत है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरा डिटेल्स बात आप पत्रकार सम्मेलन जो असेंबली के बाहर मैं किया था डे बिफोर यस्टरडे देख लीजिए, उसमें मैं बताया ये आइडियोलॉजिकली कांग्रेस और लेफ्ट की खिलाफ हम लोग का लड़ाई जारी है, आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस इरेलीवेंट हो गया, लेफ्ट भी सुपड़ा साफ, कुछ दिन पहले त्रिपुरा में लेफ्ट को तो अपोजिशन का जो दर्जा था वो भी हट गया। इसलिए मेरा बात था जे जो बंगाल में ममता जी के खिलाफ लड़ना चाहता है उसको पहले बोलना चाहिए नो वोट टू ममता, बाकी बात छोड़ दीजिए वोटर की जो मतदाता के ऊपर, मतदाता का आपने अलायंस होगा ममता जी का खिलाफ, और इसमें बीजेपी नेचुरल चॉइस होगा। इसलिए बंगाल में कम से कम 25 ईयर्स कांग्रेस की राज लोग देखा, कांग्रेस टेस्टेड एंड रिजेक्टेड, सीपीएम 34 ईयर्स का आपने राज देखा, लेफ्ट फ्रंट टेस्टेड एंड रिजेक्टेड, 12 साल टीएमसी का राज देख रहा है, टीएमसी ऑल्सो टेस्टेड वुड बी रिजेक्टेड। बीजेपी का टेस्ट बंगाल का लोग को नहीं मिला, इसलिए बंगाल का आदमी को नेचुरल चॉइस होगा बीजेपी भाजपा, इसका कोई संदेह नहीं है।
और मैं जो अलायंस के बात बताया वो है जनता मतदाता का अलायंस, और जो स्लोगन में जो लोग बंगाल की सड़क पर ममता जी का खिलाफ बोल रहा है उसको मेरा अपील है, पहले बोलिए नो वोट टू ममता। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का लोग 2021 का चुनाव में जब जनरल इलेक्शन हुआ था असेंबली का तब पहले बताया नो वोट टू बीजेपी। आप किसको हराना चाहता है पहले तो बोलो, ये मेरा अपील था। इसलिए डबल इंजन की सरकार के अलावा बंगाल का भविष्य पूरा फ्यूचर जीरो है। इतना लोन, इतना अनएम्प्लॉयमेंट, नो इंडस्ट्री, नो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट, बंगाल का हालत जो बन गया है इसमें पूरा के पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का मदद चाहिए, और डबल इंजन सरकार सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन डबल इंजन सरकार है। আমি কর্মচারীদের কথার উত্তর দিই না, ওরা কোম্পানির কর্মচারী, আমি ওই কোম্পানির মালিককে হারিয়েছি মমতা ব্যানার্জি। আমরা বয়কট করেছি কে বলেছে আপনাকে? না, আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সরকারের যে আমন্ত্রণ পত্র কার্ড সেখানে রাজ্যপাল মহোদয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর নাম রাখা হয়েছে, আমন্ত্রণ তো করেইনি। আপনি অন্য রাজ্যগুলোতে দেখবেন, রাষ্ট্রপতি গেলে ইভেন উত্তরপ্রদেশও দেখবেন সেখানে কারে নাম থাকে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের, বিধানসভার অধ্যক্ষের, লিডার অফ দি অপোজিশনের, চিফ মিনিস্টার নিশ্চয়ই, আর থাকেন গভর্নর, আর ডাকেন মুখ্য সচিব। আমি টুইট করেছি একটু আগে, দেখবেন মমতা ব্যানার্জি লোকেরা দ্রৌপদী মুর্মুজিকে ভোট দেননি, যারা ভোট দেয়নি তারা আজকে দ্রৌপদী মুর্মুজিকে ধামসা মাদল উপহার দিচ্ছেন, ফুল দিচ্ছেন, শাল পরাচ্ছেন। আর যারা ভোট দিয়েছে বিজেপি এমএলএরা, 70 বিজেপি এমএলএ এমপিস, তারা আজকে ইনভাইটেড হয়নি। আমরা খুব খুশি যারা হারাতে চেয়েছিল জনজাতি, একেবারে প্রান্তিক উড়িষ্যা থেকে উঠে আসা একজন মানবীকে, তাকে আজকে ফুলের মালা পরাতে হচ্ছে। উনার ধর্ম নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে কেন তিনি নমিনেশন ফাইলের হলফনামাতে ফর্মে লিখেছিলেন হিন্দুইজম, এই প্রশ্ন তুলেছিল মমতা ব্যানার্জির ক্যাবিনেটের দুজন রাষ্ট্রমন্ত্রী, আজকে তাকে রিসিভ করতে হচ্ছে, আমাদের এটা খুব ভালো লাগছে। আমি এটা নিয়ে বলতে পারবো না কিছু, এটা নিয়ে আমি বলতে পারবো না। ন্যাশনাল মিডিয়া কনফারেন্সে এই প্রশ্নটাও আপনার সিলেকশন করা ঠিক হয়নি, আপনার ফ্রিডম আছে প্রশ্ন করার, আমার অধিকার আছে উত্তর না দেওয়ার। থ্যাংক ইউ।